वैसे आनंदमय तो हो चुके हैं शरद मल्होत्रा भी, क्योंकि हर वर्ष वो गणेश जी को तो लाते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने भी प्रण किया है कि गणेश जी के आओ भगत में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। प्यारी सी आंखों वाले श्वेत रंग के जरा शरद मल्होत्रा के गणपति बाप्पा के दर्शन तो करिए। सालों के बाद जो मुझे वाइब और जो एनर्जी दिख रही है, आई थिंक सब जगह गली गली में मुझे इतने पंडाल दिख रहे हैं और इतने बापा दिख रहे हैं सब जगह, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आई थिंक एक ऐसे समय के बाद लोग फिर से बाहर निकले हैं, फिर से उसी जोश और उल्लास के साथ, उसी उत्साह के साथ लोग गणेश चतुर्थी मना रहे हैं। श्रद्धा भाव के साथ हर साल की तरह इस साल भी इस शरद मल्होत्रा बप्पा को घर ले आए हैं। हम बापा को सिलेक्ट नहीं करते, बापा हमें सिलेक्ट करते हैं, तो आई थिंक इस बार इन्होंने मुझे और हमें सिलेक्ट किया है कि हमारे घर पर आएँ। और जैसे देख पा रहे हैं मोर पंख भी है और हाथ में बांसुरी भी है, तो इट्स कृष्ण जी और बापा दोनों इस बार घर पे आए हैं। अब सालों से इस शरद के साथ हमारा भी रिश्ता है, तो इस नाते हर साल बुलावा आता है गणपति बाप्पा के दर्शन करने के लिए। शरद के साथ हम कुछ ही पल बिता पाते हैं, लेकिन यकीन मानिए ये पल ना बहुत यादगार होते हैं। ये मेरा आई थिंक कुछ 11वां साल है, और तो जाहिर सी बात है हमारे लिए, हम सब के लिए, अपने पूरे परिवार के लिए बहुत एक सेलिब्रेशन है कि घर पे बापा आते हैं, उसके बाद फिर पूजा होती है, उनका आगमन होता है, फिर यू नो उनकी सेवा सत्कार जो है, उसके बाद फिर भोग वगैरह खिलाना, तो ये सब हम करते हैं और अगले 1.5 दिन तक मैं ये ऐसे करने वाला हूँ। तो बस जितनी सेवा हम कर पाएंगे हर साल की तरह फिक्स्ड है हमारा, हम तो करेंगे। गणेश चतुर्थी से जो है एकदम मैं मानता हूँ कि सब कुछ चेंज हो जाता है लाइफ में, मतलब वर्ल्ड में, मतलब मैं मानूँ कि बहुत ही शुभ समय जो है उसका आगमन हो चुका है। बप्पा का आशीर्वाद शरद पर हमेशा बना रहता है। बप्पा ने इतना कुछ दे दिया है कि अब केवल उनकी पूजा अर्चना करने का ही मन करता है। जी, हर साल की तरह मैं इस बार भी मैं बापा से कुछ मांगूंगा, लेकिन वो अभी नहीं बताऊंगा आपको, जब पूरी हो जाएगी तब बताऊंगा, बट डेफिनेटली वो तो मैं फिक्स्ड है, मैं हर साल बापा से कुछ ना कुछ उनके कान में मैं हमेशा कहता हूँ। थैंक यू सो मच गणपति बप्पा, मंगल मूर्ति। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल और सुरभी रन सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।